नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। दुनिया कोरोना की दूसरी लहर से ही जूझ रही है, वहीं कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर अब सामने आ चुकी है। सबसे चिंता वाली बात यह है कि कोविड 19 डेल्टा वेरिएंट बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक माना जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन का सहारा लिया था, वहीं अब उस लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जा रही है, लेकिन जरा सी लापरवाही घातक हो सकती है। लॉकडाउन के बाद हर जगह लापरवाह भीड़ नजर आ रही है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट को दावत दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन के साथ 2 गज की दूरी और मास्क यही आपको तीसरी लहर से बचा सकते हैं। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब इसको लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। स्टडी में पाया गया है कि ये वेरिएंट अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 60% ज्यादा संक्रामक है। स्टडी में ये भी पाया गया है कि इस वेरिएंट से संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। स्कॉटिश रिसर्चर्स ने पिछले महीने इस पर विस्तार से स्टडी की। स्टडी में उन्होंने पाया कि इस वेरिएंट से बुजुर्गों में संक्रमण फैलने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। वहीं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपनी स्टडी में पाया था कि इस वेरिएंट का असर बच्चों और युवाओं में भी देखने को मिल सकता है। भारत में थमती कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। कोविड 19 वायरस का ये वो वेरिएंट है जो भारत में मिला था, अब ये तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि ये वेरिएंट 96 देशों तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही WHO ने आगाह किया है कि आने वाले महीनों में कोरोना का ये बेहद संक्रामक स्वरूप विश्व भर में हावी हो जाएगा। ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था। WHO के साप्ताहिक डाटा के अनुसार दुनिया के 96 देशों में डेल्टा वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। बीते सप्ताह से डेल्टा वेरिएंट प्रभावित देशों की ये संख्या 11 से अधिक हो गई है, यानी बीते सप्ताह की तुलना में 11 नए देशों में इस वेरिएंट का कोहराम शुरू हो गया है। डेल्टा वेरिएंट को डबल म्यूटेंट भी कहा जाता है। इसमें 2 म्यूटेशन होते हैं। अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 55% ये अधिक खतरनाक है, जो शुरुआत में ब्रिटेन में पाया गया था, और तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रमुख तनाव बन गया। अफ्रीका ने वेरिएंट के कई नए प्रकोपों की सूचना दी है, क्योंकि ट्यूनीशिया, मोजाम्बिया, युगांडा, नाइजीरिया और मलावी इस डेल्टा से संक्रमित 11 देशों में शामिल है। संभव है कि वास्तविक आंकड़ा और अधिक हो सकता है, क्योंकि वायरस के स्वरूप की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्षमताएं सीमित हैं। पिछले हफ्ते WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेसस ने कहा था कि अब तक कोरोना के जितने वेरिएंट की पहचान हुई है, उनमें से डेल्टा सबसे संक्रामक है। ये वेरिएंट उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिनको कोरोना टीका नहीं लगा है। उन्होंने कहा, कुछ देशों ने पाबंदियों में ढील दी है, जिसके कारण विश्व में संक्रमण बढ़ रहा है। भारत उन देशों में शामिल है जहां अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक रूप से सामने आ सकती है। चिंता की बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर माना जा रहा है, जिसके चलते भारत में केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी गंभीर नजर आ रही हैं और लगातार टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो कोरोना और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक सोशल मीडिया और अलग अलग तरीकों से आप तक पहुंच रही है, लेकिन आज जो देश में स्थिति बनी हुई है वो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो अब तीसरी लहर है वो अब दस्तक देने वाली है। अब ऐसे में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा
कि आखिर ये तीसरी लहर है क्या, आखिर इसके कारण क्या है। डेल्टा प्लस के बारे में चर्चा हो रही है, डेल्टा के बारे में चर्चा हो रही है, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आज हमारे आम तौर पर देखने को मिल रही हैं और कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसे समझना बेहद ज़रूरी है और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की रफ्तार बढ़ रही है, न सिर्फ भारत में बल्कि तमाम ऐसे देश हैं जहां पर डेल्टा प्लस के कई सारे केसेस सामने आए हैं। अब ऐसे में डॉक्टर्स और जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी चिंताएं ज़रूर बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अब इसको समझना और इसको लेकर सही तरीके से लोगों तक उसकी उससे जुड़ी हुई जानकारी पहुंचाना, ये हमारे डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कोविड 19 को जिस तरह से लोगों ने दूसरी लहर में लिया, उसका जो नतीजा था वो हम सबके सामने था। पहली बार यानी पहली जब लहर आई उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा मौत नहीं हुई, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो लोग संभल नहीं पाए और मौतों का आंकड़ा जो था वो लगातार बढ़ता रहा। अब ऐसे में तीसरी लहर जिसकी बात की जा रही है, उससे पहले हमें सचेत रहना है, उससे जुड़ी जो जानकारी है वो इकट्ठी करनी है और उसी के हिसाब से अब आगे अपनी दिनचर्या को भी बढ़ाना है। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो आज हम अपनी इस चर्चा में शामिल करेंगे, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के आने के बाद डॉक्टर्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि तीसरी लहर कहीं ना कहीं बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। अब बच्चों को लेके क्या कुछ चीजें हैं, उनकी किस तरह से देखभाल करनी है, कैसे उनको गाइड करना है, ये तमाम तरह की चीजें हैं और इन्हीं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना और इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंच रही है, तमाम सोशल साइट्स के जरिए और अलग अलग माध्यमों से आप तक वो जानकारी पहुंच रही है। आज हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमको किस तरह से आगे बढ़ना है, अपनी अपने जीवन में कौन कौन सी उन बातों का या कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आने वाले समय में हम कोरोना और इससे जुड़े तमाम जो वेरियंट्स हैं, चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा प्लस वेरियंट्स हो, उससे हम अपने आप को बचा सकें। तो आज के जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ अभी इस वक्त डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आशुतोष शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष शर्मा जी का मैं आपसे परिचय करा दूं। आशुतोष शर्मा जी इस वक्त मॉन्टेरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मैक्सिको में है, यहाँ पर डायरेक्टर हैं बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। आशुतोष जी, आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में बुलाने के लिए। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो ये जो नया डेल्टा वेरिएंट जिसके बारे में अभी सारे दुनिया में चर्चा चल रही है, ये जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वायरस और ये जो बैक्टीरिया, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, ये अपने आप को वातावरण में ढालने के लिए, अपनी को सर्वाइव करने के लिए बदलते हैं। हमने जितनी प्रयोग की है, हमने जितनी वैक्सीन सभी डेवलप की है, तो ये अपने बचाव के लिए अपने आप को बदलते हैं और उसी बदलने की प्रक्रिया में इनका जो आनुवंशिक जो मटेरियल होता है, जो ये कोरोना वायरस में है, जो आरएनए है, तो उसमें ये लोग चेंज करते हैं, म्यूटेट जिसको हम उसको बोलते हैं। और उससे हुआ क्या है कि इसकी जो दो स्पाइक प्रोटीन है, जो कि वैक्सीन बनाने के लिए भी यूज की जाती है, उसमें चेंज आ गए हैं। तो जब इस पे चेंज आ जाएंगे तो होता क्या है कि जो हमारी वैक्सीन जो डेवलप हो चुकी है उनकी प्रभाविकता जो है थोड़ी सी कम हो सकती है और यही इसका सबसे बड़ा जो डर है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो इस बैक्टीरिया के आप इस वायरस को आप इस तरह समझ सकते हैं कि इन दो नए म्यूटेंट से इसकी जो पकड़ है, इसकी जो मानव की कोशिकाओं में घुसने की जो क्षमता है, जो संक्रामक क्षमता है, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी आप ही ने बताया था इसकी जो संक्रामकता है वो 60% बढ़ चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए
कि जब ये वायरस फैलेगा या जो फैल रहा है तो जो हमारी जो संक्रमणता की दर है वो कहीं ज्यादा प्रभावित होगी, वो कहीं ज्यादा केसेस देखे जाएंगे। तो यही इसकी दर की सबसे बड़ी वजह है। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारा अल्फा वेरिएंट था, एक साधारण सी भाषा में मैं आपको बता दूं, जो अल्फा वेरिएंट था उसके दो हाथ थे और ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसके तीन हाथ है। तो जो पकड़ने की इसकी क्षमता होगी तो ऑब्वियसली वो तीन हाथों से ज्यादा होगी। तो ये जो वेरिएंट है अब हमारे लिए बड़ी समस्या और जो चैलेंज सबसे बड़ा हमारे सामने आया है कि हमारी जो वैक्सीन है, जो 7-8 वैक्सीन जो इस समय पूरी दुनिया में अप्लाई की जा रही है, उनमें से कौन कौन सी वैक्सीन होगी जो इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती है, तो उस पर अभी सारा फोकस चल रहा है। जितनी भी कमी है, कल जॉनसन एंड जॉनसन ने भी रिपोर्ट किया कि उनकी वैक्सीन प्रभावी है। इंडिया में कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड में भी उन्होंने अपना रिपोर्ट बताई कि हमारी वैक्सीन भी काफी हद तक प्रभावी है। और एक जो दूसरी डर की वजह है इस डेटा वेरिएंट्स की कि जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया में हमें ये जानकारी है, हमें पता है कि बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है। अभी एक वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अप्लाई और प्रयोग करने के लिए अलाउड नहीं है, और उसमें भी लिमिटेड है क्योंकि बच्चे हमारे पास सारे बच्चे सारी एज के हैं, सारी आयु के बच्चे हैं, 1 साल से लेके कुछ महीनों से लेके 10 साल तक, उसके बाद फिर 10 साल से 20 साल तक, 15 साल तक। तो जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और एक जो वर्ग है जिसने एक ही डोज लिया है वैक्सीन का, फिर चाहे वो फाइजर का हो या एस्ट्राजेनेका का हो, इस ग्रुप के लोगों के लिए भी बड़ी एक चिंता की विषय है, क्योंकि जो वैक्सीन का जो पहला डोज है उससे जो इम्यूनिटी आपको मिलती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए बूस्टर डोज लगाया जाता है ताकि आपकी इम्यूनिटी 80-90% पहुंच जाए। तो जिन लोगों ने दूसरा डोज अभी नहीं लगवाया है तो उनको भी जल्दी से जल्दी दूसरे डोज लगवाने की जरूरत है। तो ये मोर ऑन ये सिचुएशन है अभी डेल्टा वेरिएंट की। जी बिल्कुल आशुतोष जी, हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं। पियाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और प्राइम टीवी के दर्शक आपको भी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो हम आपसे जानेंगे। मैं अब पियाली जी का एक परिचय करा दूँ। आप सीनियर डॉक्टर हैं SGPGI में, पीडियाट्रिशियन विभाग में। तो मैं पियाली जी समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि अभी आशुतोष जी ने कहा कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी जो संक्रामकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आप इसको किस तरह से देखती हैं, क्या कारण रहे हैं? देखिए, हर वायरस में स्पेशली जो आरएनए वायरस होते हैं जो कि कोरोना वायरस है जी, उनमें म्यूटेशंस होना कॉमन है। दो चीजें होती हैं, या तो म्यूटेशन होते होते वो खत्म हो जाते हैं, या कुछ ऐसे उनके प्रोटोटाइप्स निकल के आते हैं जो ज्यादा संक्रामक होते हैं जी। तो ऐसे में हर एमआरए वायरस में ऐसा होता है। तो देखिए, स्पैनिश फ्लू था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, आपका H1N1 भी धीरे धीरे डिक्लाइन पे है। तो ये वायरसेस जो हैं इस तरह से बिहेव करना नेचुरल है उनके लिए। तो अब हम लोगों को देखना ये है कि जो म्यूटेशन होते होते, ये जैसे सेकेंड वेव में डेल्टा वायरस आया, ये काफी खतरनाक था, और सेकेंड वेव के बाद अब जो थर्ड वेव का अंदेशा हम लोग कर रहे हैं, उसमें डेल्टा प्लस का है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। पर इधर ही हाल में सौम्या स्वामीनाथन जी ने स्टेटमेंट दिया है WHO की तरफ से, वो कह रही हैं कि ये कंसर्न नहीं है, बट हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की और अपने हेल्थ सर्विसेज को प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। तो स्थिति ये है अभी कि अभी हमें पता ही नहीं है कि थर्ड वेव आएगा तो कब आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो हॉटस्पॉट है डेल्टा वायरस जो है डेल्टा प्लस, वो कितनी तेजी से फैल रहा है या कितना उसका असर दिखाई दे रहा है। ये तो अब आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा। मैं आशुतोष जी से भी ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आशुतोष जी, हम जब इसकी संक्रामकता को, जब आपने बात कही कि ये जो संक्रामकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या हम लोगों को
ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या हमसे ऐसी कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से संक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही। एक रिपोर्ट अभी सामने आई थी जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि जब ये वायरस किसी ऐसे इंसान के शरीर में एंटर करता है जो वैक्सीन ले चुका है, तो ऐसे में ये वायरस और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए अभी जो जो मेरे कलीग ने अभी आपको बताया, आप देखिए एक 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 बड़ी साधारण सी बात है जो जो हम लोग अभी शायद इन एक डेढ़ साल में पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो वायरस होते हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं, इनको समझने में इनकी प्रभाविकता को समझने में, इनको रिसर्च करने में, इनके लिए दवाइयां बनाने में, इनके लिए वैक्सीन बनाने के लिए बहुत समय लगता है। देखिए एचआईवी पूरी दुनिया में आज से 35 साल से उसके ऊपर स्टडी चल रही है, 82 और 84 से हम उसके बारे में जानते हैं, अभी भी कोई वैक्सीन एचआईवी के लिए नहीं बना पाए। पोलियो वैक्सीन बनने में 40 साल का समय लगा था, तब जाके एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन बन पाई थी। तो ये एज अ सोसाइटी हमें समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो महामारियां हैं ये समय समय पर आती रही हैं। अभी स्पेनिश फ्लू का जिक्र किया गया, स्पेनिश फ्लू में करीब 50 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे पूरी दुनिया में, और उस समय ना हमारे पास वैक्सीन्स थी, ना हमारे पास इस तरह की दवाइयां थी, ना हमारे पास इस तरह के हॉस्पिटल्स थे, ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन फिर भी उस पर कंट्रोल किया गया एक समय के बाद। तो अभी जो हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो है हमारा खुद का डिसिप्लिन। यदि हम लोग अपने आप को यदि हम लोग अभी नहीं डेढ़ साल के अंदर ही हम लोग खुद ये अपने डिसिप्लिन में नहीं ला पाए, हम मास्क पहनना नहीं सीख पाए, हम लोग डिस्टेंस बनाकर बात करना नहीं सीख पाए, हम लोग अपनी सेरेमनीज पार्टी और जो जितने भी गेट टुगेदरिंग है उनको नहीं रोक पा रहे हैं, हम लोग लॉकडाउन का और जो भी मेजरमेंट्स हाथ धोने का, जेल यूज करने का, एक डिस्टेंस बनाने का, उनका जो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, डेढ़ साल में देख रहे हैं हम लोगों की लापरवाही बहुत ज्यादा बरती जाती है। जैसे ही हमें डर लगता है कि हम सुनते हैं कि इतने लोगों की मौत हो रही है, इतने लोग अस्पताल जा रहे हैं, अभी जो हालत हुई थी 2 महीने पहले इंडिया में, तो उस समय हर आदमी जागरूक था, लेकिन जैसे ही अभी लोगों को लगा कि केस कम हो गए हैं तो लोगों ने फिर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, लोगों लापरवाही बरतना शुरू, लापरवाहियां बरतनी शुरू कर दी। तो लापरवाही के अलावा इसका कोई दुश्मन नहीं है, लापरवाही इसकी सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। यदि हम लोग मास्क यूज करेंगे, हम लोग डिस्टेंस बना के रखेंगे, हम लोग भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, हम लोग सरकार के दिए हुए जितने भी गाइडलाइंस है उनका यदि अमल करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस पे कोई भी तीसरी लहर के लिए हमें डरना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो वैक्सीन की है, वैक्सीनेशन को रोकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग यही सुनने में आता है कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी बुरी है, स्पुतनिक लगवाओ, एस्ट्राजेनेका का लगवाओ, ये लगवाओ, तमाम तरह की भ्रांतियां अभी भी बनी हुई है। जी आशुतोष जी, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी लहर के बाद एक चीज निकल के आई, पोस्ट कोविड। ऐसे में पोस्ट कोविड को हम किस तरह से समझें? पोस्ट कोविड मतलब कितने, अगर अगर आपको कोरोना हुआ है उसके कितने दिनों बाद किस तरह के लक्षण देखना शुरू होते हैं, या क्या कुछ चीज़ें रहती हैं जब एक इंसान को लगता है कि हाँ वाकई में जो पोस्ट कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अब देखने में आ रहे हैं? देखिए पोस्ट कोविड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जटिल टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि पोस्ट कोविड जब से कोविड आया है तब से लेके इसकी जो जो इवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह से इसने दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट किया, फिर उसके बाद हमें रिसर्च से पता चला कि इसने दिमाग पे भी इफेक्ट डाला है कई लोगों को, रिपोर्ट्स में आई है, रिसर्च में पता चला है कि कई तरह की नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में भी प्रॉब्लम्स हुई है, अभी रिसेंटली पता चला है कि नाखूनों में भी कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, कई लोगों को लिवर में प्रॉब्लम हुआ है, स्टोमक में, अदर ऑर्गन्स में इफेक्ट हुआ है लोगों के, कई लोगों को बाल भी झड़े हुए हैं। तो देखिए अभी तो चूंकि हमें इतना तो पता पड़ गया है कि हर आदमी
अपने हिसाब से रिस्पोंड करता है, हर आदमी की अपनी अपनी प्रतिरोधक क्षमता है और उसी के हिसाब से आदमी वायरस से लड़ता है, वैक्सीनेशन के पहले या वैक्सीनेशन के बाद। ठीक है तो पोस्ट कोविड में अभी हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम लोगों को बता सके कि आपको पोस्ट कोविड के बाद ये हो सकता है, क्योंकि सबको अलग अलग सिम्टम या सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन लेकिन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको कोविड होता है उसके बाद लोगों ये धारणा बना लेते हैं कि अब मुझे कोविड कभी होगा नहीं क्योंकि मुझे इम्यूनिटी मिल गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोविड दोबारा भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप वायरस का लोड कितना ले रहे हैं। जी वो यही बात है कि यदि आप यदि थोड़ा सा जहर लिया जाए थोड़ी कम क्वांटिटी में तो आदमी बिस्तर में जाएगा या इमरजेंसी में जाएगा, और जहर थोड़ा ज्यादा ले लिया जाए तो उसकी डेथ तुरंत हो सकती है। तो वायरस लोड भी उसी तरह का होता है, आप जितना ज्यादा वायरस लोड लेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी जल्दी डेवलप इनहिबिट होती हो है। सकती है। ठीक है तो अभी जो वैक्सीनेशन का जो है, ये लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, चाहे उनको कोविड हो चुका हो उसके बाद उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और मास्क तो यूज करना छोड़ना ही नहीं है, ये लोगों को एक WHO ने भी अभी अनाउंस किया है, बाकायदा सारी कंट्रीज में इसको प्रमोट किया जा रहा है कि देखिए आपने यदि वैक्सीन भी लगवा ली है, आपको यदि कोविड हो भी चुका है तो ये कोई गारंटी नहीं है आपको दोबारा नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको कोविड हो सकता है, शायद आपको उतना घातक ना हो, लेकिन आप कोविड दूसरों को भी कर सकते हैं। आप तो कैरियर बन इसीलिए सकते हैं। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जी आशुतोष जी, हम जिस तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, जिस तीसरी लहर के बारे में आप भी बता रहे हैं कि अगर हमने ये सावधानियां नहीं बरती तो वो दिन दूर नहीं जब तीसरी लहर देखने को मिलेगी, लेकिन इस तीसरी लहर से हम क्या वाकई में इतना डरना डरना ज़रूरी है? अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं और हमारी जो जिस तरह से सरकारें भी लगातार वैक्सीन को लेकर काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार कर रही हैं और सभी को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रही हैं, क्या वाकई में तीसरी लहर से इतना डरना ज़रूरी है? देखिए, मैं तो आपको ये कहूँ कि डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डर निकल जाता है तभी लापरवाही की शुरुआत होती है। ठीक है। और हम लोग ऐसी कम्युनिटी है कि हमारे यहाँ लापरवाही हर जगह आपको देखने मिलेगी। हम लोग ऐसी कम्युनिटी है जिसको डिसिप्लिन में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सरकार के लिए भी और हम लोगों को खुद के लिए भी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर नहीं रहेगा तो ना तो कोई मास्क यूज करेगा। मुझे आज भी याद है कि नवंबर और दिसंबर से लेके मार्च तक मैं कई लोगों के संपर्क में था, और ये बिल्कुल वही मूवमेंट था जब सेकेंड वेव आने वाला था अप्रैल में। ठीक है। लेकिन इन 3 महीनों में मैंने ना तो इंडिया में किसी को मास्क यूज करते देखा, मैं जिन लोगों को जानता था, सारी पार्टियां हुई, सारी शादियां हुई, सारे फंक्शंस हुए, और यहां तक कई डिबेट्स में मुझसे ये भी बोला गया कि कोरोना तो चला गया, कहाँ है कोरोना, यहां तो नहीं है। तो देखिए, जब डर निकल गया तो उसी का परिणाम था कि हम दूसरी वेव जब आई तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। हमारी हालत क्या थी, अस्पताल भर गए थे, हाहाकार मच गया था, लाशें सड़कों पे थी, शमशान घाटों की फोटो पूरी दुनिया में दिखाई जा रही बिल्कुल। थी। तो वो बड़ा एक शर्मनाक और बहुत ही भयावह जो दृश्य हमने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उससे बच सकते हैं तीसरी वेव में, और उसके लिए दो ही सबसे बड़े हथियार हैं। नंबर पहला, वैक्सीनेशन। जितने लोग ज्यादा वैक्सीनेशन लगा लेंगे उनसे, देखिए एक बहुत अच्छी रिसर्च आई है अभी परसों ही पब्लिश हुई है, उसमें पता चला है कि जितने भी केस यूके में आए हैं, फॉर एग्जाम्पल केस कहीं ज्यादा बड़े हैं, जैसे शायद 24,000 केस थे, लेकिन जी उसमें जो मृत्यु की दर है वो वैक्सीनेशन के बाद इतनी कम हो चुकी है कि शायद 24 या 22 लोग ही मृत्यु हुई थी 24,000 जो इंग्लैंड में केस आए हैं। तो इससे पता चलता है कि वैक्सीनेशन वाकई में बहुत इफेक्टिव है, जी और यही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। दूसरा हथियार है कि आप मास्क यूज करें, इसको छोड़े ना, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये वायरस 1 या 2 महीने 3 महीने में नहीं जाने वाला है, इसको पूरी तरह से जाने में अभी भी कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 साल लग जाएगा, और उतना ही टाइम हमें लगेगा वैक्सीनेशन करने में। इतना बड़ा देश है, इतना जटिल हमारा इको इको सोशल इकोनॉमिकल ढांचा है, ठीक है। वैक्सीन को जगह जगह पहुंचाना, गांव देहातों में लगाना एक बहुत बड़ा काम है, तो इसको लगने में अभी महीनों का टाइम लगेगा। तो जो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं है, बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं है, बीमार लोग हैं उनको लोगों को वैक्सीन नहीं लग सकती है, तो बहुत सारी अभी हमारे पास चैलेंजेस हैं। और केवल बचने का यही साधन है कि हम लोग अपनी जितनी भी गाइडलाइंस हमें सरकार की तरफ से मिल रही है उस पर अमल करें, बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही सीरियसली, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि हल्के में लेने से
हमें बाद में फिर ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आशुतोष जी, आपने मास्क की बात की, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो मास्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए, क्या जैसे हम हमारे हमारे आसपास डबल मास्क की भी चर्चा होना शुरू हुई, तो वो डबल मास्क कितना कारगर है, आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये मैं मास्क मेरे पास ही रखा था। ये उसको बोलते हैं थ्री लेयर मास्क, ठीक है थ्री लेयर मास्क। ये सर्जिकल मास्क होता है, ये काफी इफेक्टिव है। ये इसकी प्राइस तो मुझे नहीं पता इंडिया में कितनी है, लेकिन ये मास्क जो है इससे आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो मास्क है वो K95 है, जो जो हर जगह मिल रहा है आजकल। तो सबसे पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो मास्क यदि आपको यूज करना है तो एक अच्छी जो फार्मास्यूटिकल स्टोर है आप वहीं से मास्क खरीदें। ये जो सड़कों पर कपड़ों से बने हुए मास्क या कॉटन से बने हुए मास्क या प्लास्टिक से बने हुए मास्क जो मिल रहे हैं, मैं आपको जी बता दूं ये बिल्कुल भी कारगर नहीं है, बल्कि ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरह के मास्क ही है जो सबसे इफेक्टिव है। एक तो ये थ्री लेयर का मास्क, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरह की जो मास्क है, और यहाँ पे एक नोड होता है, इसमें एक मेटल का नोड होता है। जब आप इसको लगाएंगे तो मास्क का जो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि मास्क जब आप लगाएं तो इसकी जो आप जब सांस लेते हैं तो सांस ना यहां से घुसना घुसना चाहिए, ना यहां से घुसना चाहिए, ना यहां से घुसना चाहिए। सांस जो है फिल्टर होके आपकी नाक से आपके फेफड़ों तक जाना चाहिए, यही मास्क का अंतर है। मास्क कुछ लोग ऐसे लगा के घूमते रहते हैं, ऐसा तो ये मतलब मास्क लगाने का मैंने हर जगह देखा है कि मास्क कुछ लोग ऐसे लगा के घूम रहे हैं, कुछ लोग गले में लटका के घूमते हैं। तो ऐसे मास्क से तो अच्छा है कि आप इसको उतार के फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है ना। तो पहली बात तो एक मास्क तो आप लगाना ही है। दूसरा मास्क यदि आपको लगाना है, जो कि मैं पूरी तरह से रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद दो मास्क लगा के ही चलता हूँ, जी तो लेकिन कुछ मास्क ऐसे हैं जिसमें जब आप दो मास्क पहन लेते हैं तो उसमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने थोड़ी लगता तकलीफ है। होती है। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। तो मैं इसीलिए वो सजेस्ट उन लोगों को करूंगा जो लोग दो सर्जिकल मास्क पहनना चाहते हैं। दो सर्जिकल मास्क पहनने में आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर आप K95 और ये सर्जिकल मास्क दोनों को साथ में पहन सकते हैं। आप इसको पहले पहन लीजिए और इसके ऊपर आप K95 को पहन सकते हैं। तो उसका जो मेन उद्देश्य है ये है कि जितनी भी आप सांस ले रहे हैं, आप यदि हॉस्पिटल में हैं, आप यदि भीड़ वाले इलाके में हैं, और जो सबसे डेंजरस जगह होती है वो है एक तो बंद कार। आप बंद कार में किसी संक्रामित व्यक्ति के साथ बैठ गए, आप यदि बंद कमरे में या बंद जगह पर किसी संक्रामक भीड़ वाले जगह में घुस गए तो आप जितनी भी सांस लेंगे फिर वो तो आपकी आंखों से भी, ये भी पता चला है कि वायरस आंखों से भी अंदर जा सकता है। हालांकि उसके उतने ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन आपका यदि आपने मास्क ढंग से नहीं पहना है, इस तरह से यदि आप मास्क लेके घूम रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी जो सांस है वो पूरी तरह से फिल्टर होके जाना चाहिए। तो आपको मास्क वही पहनना चाहिए जो आपकी नाक के ऊपर से टाइट हो सके। यहाँ एक मेटल, इसके अंदर एक ये मेटल रॉड होती है, तो आप इसको यदि प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी तरह से नाक को फ्लैट कर देगा, नाक को टाइट कर देगा, ताकि आपको यहाँ से एयर अंदर ना जा सके। तो मास्क पहनने का यही एक तरीका है, आप पूरी तरह से अपने आप को टाइट रखिए। ठीक है भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क बिल्कुल ना उतारिए। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही मास्क एक महीने से यूज कर रहे हैं, उस मास्क में छेद भी हो गए हैं, उस मास्क से फाइबर भी निकल गया है, वो मास्क यूज कर रहे हैं। कुछ लोग मास्क धो रहे हैं, उसको वॉश करके पहन लेते हैं, उस मास्क में कुछ नहीं बचता। भाइयों मेरे, ऐसे मास्क से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको मास्क बदलना पड़ेगा। मास्क की क्वालिटी आपको ऐसी ही दिख जाएगी। और दूसरी बात, मास्क को इस तरह से छूना नहीं चाहिए, ये एक और दूसरी प्रॉब्लम है। आप मास्क पहन के रखिए और मास्क को उतारिए तो केवल आप यहाँ के रिबिन से उतारिए, क्योंकि बहुत से लोग ये मास्क पहनने के बाद करते क्या है कि मास्क को इस तरह से छू लेते हैं और मास्क को इस तरह से पकड़ के रखते हैं, या उसी मास्क को उठा के जेब में रख लिया, फिर इसी मास्क से आपने दूसरे से हाथ मिला लिया, फिर इसी मास्क से आपने खाना खा लिया, तो फिर इस तरह का कोई मतलब नहीं है इस तरह के मास्क पहनने का। मास्क जितने भी मास्क है K95 या सर्जिकल मास्क, ये धो नहीं जा सकते। इनको यदि आप धोएंगे तो फिर इसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो आपको मास्क समय समय पर बदलना है। आप एक ही मास्क को 7 या 10 बार से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। यदि आपका मास्क आपको रियूज करना है तो आप उसको 70% एल्कोहल, जिसको हम ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, उसका स्प्रे आप यूज करते हैं अपने कर सकते हैं अपने मास्क के ऊपर। 70% एल्कोहल का सैनिटाइजर से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, उसको एक जगह पर रख दीजिए, जब सूख जाएगा तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये लोगों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि वही है जहां से जरा सही
एयर से आपकी नाक में वायरस घुस गया और आप संक्रमित हो गए। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने मास्क से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों के लिए साझा की है। लेकिन एक और सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम तीसरी लहर की बात करते हैं तो एक और चीज़ सामने निकल कर आई और लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी या उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगी। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्या क्या इसकी कोई रिसर्च सामने आई है या क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी? देखिए, चूंकि अभी इसके बारे में कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि चूंकि वायरस अपने आप को ढालता है, ये जो म्यूटेंट होते हैं ये म्यूटेंट ही इसीलिए होते हैं ताकि ये अपने आप को अच्छी तरह से ग्रो कर सके, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके, अच्छे से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। तो जो देखिए पहले ये जो हमें पता था कि ये जो वायरस है ये केवल जानवरों में होता है, ये रोडेंट्स में होता है या चूहे में होता है या बैट में होता है, इस तरह की धारणा थी कि इंसानों में नहीं होता है, लेकिन इसने अपने आप को ढाल लिया और इंसानों में ये संक्रमण करने लगा तो हमारी ये हालत हो गई। तो इसी तरह ये हर उस जगह फैलने की कोशिश करेगा जहां इसका पहले कोई धरातल था नहीं। तो जो बच्चे हैं या जो यंग एज के लोग हैं, क्योंकि कोविड तो बच्चों में पहले हो चुका है, ये जानते हैं हम, दो दो सालों के, तीन तीन सालों के बच्चों में अल्फा वेरिएंट पहले मिल चुका है। तो लेकिन ये है कि बच्चों में जो मृत्यु की दर थी बहुत बहुत ही कम थी, बहुत ही रेयर केसेस में बच्चों को इसमें कोई घातक परिणाम देखने को मिले। लेकिन जब म्यूटेंट बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये डर तो बना ही है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, ये एक सबसे बड़े डर की बात है। क्योंकि यदि बच्चे वैक्सीनेटेड होते तो शायद हम इस तरह से परेशान या इस तरह से डरे नहीं हुए होते, लेकिन बच्चों के लिए चूंकि वैक्सीन नहीं है यही एक सबसे बड़ा डर है। जब यदि बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि बच्चों को आप कंट्रोल कैसे करें, बच्चों को आप मास्क कैसे पहनाएं, बच्चों को आप ये कैसे बोलें कि बार बार बेटे हाथ धो, आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, यदि स्कूल खुलने वाले होंगे तो आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। तो ये सारी बातों को सामूहिक रूप से यदि रखा जाए तो यहाँ डरने की जरूरत है। लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं आया है जिससे पता चले कि बच्चों में इसकी संक्रामकता बहुत ज्यादा है। जी आशुतोष जी, अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, आखिर ये क्या होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और कब किसी वायरस को इस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो देखिए अभी की सिचुएशन ऐसा है कि हमें 1.5 साल हो गया और आप देखेंगे तो इकोनॉमी और आधे से ज्यादा दुनिया पैरालाइज रही है। बेसिकली कितना ज्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिकली हुआ है, 34 लाख से ज्यादा लोगों की तो मौत भी हो गई है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न को तो WHO डिक्लेयर करेगा और यही देख के करा जाएगा कि कहीं इससे संक्रामकता के साथ मोर्टेलिटी रेट ना बढ़ जाए, क्योंकि संक्रामकता एक चीज है और मोर्टेलिटी दूसरी चीज है। क्योंकि संक्रामक तो बहुत कुछ हो सकता है, एक जो सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस है वो बहुत संक्रामक होता है, लेकिन मृत्यु दर उसकी नाके बराबर है। तो अभी कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में मुझे ऐसा लगता है हमें कुछ इसके परिणाम सामने आएंगे, ना केवल जीनोम सीक्वेंस से बल्कि क्योंकि अभी US में फॉर एग्जांपल 20% जो टोटल कोविड के केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। तो डेल्टा वेरिएंट अभी डोमिनेट करेगा और अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ हफ्तों में हमें पता पड़ेगा कि बाकी में इसकी जो मोर्टालिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो क्या बाकी में अल्फा वेरिएंट से ज्यादा है, ऐसा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी के बारे में मुझे लगता है कि अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहना थोड़ी सी जल्दी होगा, कुछ हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आशुतोष जी, जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है तो क्या ऐसा है कि जो इंसान पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका हो, क्या ये खतरा है कि वो फिर से डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और यही मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक्चुअली वो अल्फा से भी वेरिएंट से, जो जिस वेरिएंट से वो पहले इन्फेक्ट हुआ था वो उससे भी हो सकता है। तो डेल्टा से तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि डेल्टा में म्यूटेशन है, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं चाहे वो इंडिया में हो या दुनिया में हो, वो लोग इन वेरियंट्स को ही तुरंत सेलेक्ट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करेंगे। तो जो वैक्सीन अभी जो बन चुकी हैं
उनको तो यूज किया जाएगा, उनमें भी उनकी भी एफिशिएंसी को वो लोग बता रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है, काफी हद तक इफेक्टिव है। लेकिन जो नए लॉट्स बन के आएंगे, जो जो जिनका प्रोडक्शन अभी शुरू होगा, तो डेफिनेटली इनको कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि हर साल आपकी वैक्सीन को अपडेट किया जाता है, जैसा कि इन्फ्लुएंजा में भी होता है और भी कई तरह की वैक्सीन को अपडेट किया जाता है। तो ये अपडेट करते रहेंगे, तो इस तरह से डेल्टा वेरियंट है या जो नए वेरियंट आएंगे फ्यूचर में, तो हमें वैक्सीन से पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जो लोग पहले सिक हो चुके हैं, पहले बीमार रह चुके हैं कोविड से, ये बिल्कुल मुमकिन है कि उनको दोबारा कोविड हो सकता है, यदि वो ख्याल नहीं रखेंगे, यदि वो खुले में घूमेंगे, शूरवीर बन के घूमेंगे कि हमें कुछ नहीं होगा, हम इम्यून है, हमें तो पूरी स्वस्थ हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा ये सजेशन है, जिन लोगों को एक बार कोविड हो गया है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, एक्सरसाइज पे, एरोबिक्स का और लंग्स की एक्सरसाइज का बहुत ख्याल रखें, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, वेजिटेबल्स और विटामिंस न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छे से सेवन करें, विटामिन डी सनलाइट का भी जितना भी एक्सपोज कर सके वो करें, तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि पोस्ट कोविड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे हमें केस देखने को मिला है कि पोस्ट कोविड में कई लोगों को सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो गए हैं, जिनको कोविड हुआ था 2 महीने से लेकर 6 महीने के बाद उनको कई तरह की दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे यही कारण है कि जब लोगों ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, उनको लगा कोविड खत्म हो गया, ये चला गया, ऐसा नहीं है। लंग्स डैमेज हो गए हैं, लंग्स को रिकवर करने में टाइम लगेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रनिंग करनी पड़ेगी, जॉगिंग करनी पड़ेगी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी आपको एक तरह से रिकवरी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। जी आशुतोष जी, जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आपने बताया, आज हमारे भारत देश में जो वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या ये वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कारगर साबित होगी? जी, अभी जो इन्होंने बताया है, लेटेस्ट शायद परसों ही जो कोविक्सिन और कोविशील्ड के बारे में बताया जा रहा था कि यस वो प्रोटेक्ट करेंगी, कितने लेवल पे करेंगी ये अभी इसकी एफिशिएंसी मुझे लगता है किसी भी वैक्सीन की हमें पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता जरूर होगी, क्योंकि जो अल्फा वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट के बीच का जो अंतर है वो बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये आप इस तरह से देख लीजिए, जैसे इसके 2 हाथ है, उसके 3 हाथ है, बाकी ये व्यक्ति वही है या जीव वही है, तो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो डेफिनेटली मदद करेगी। ये बिल्कुल भी एक एक्सक्यूज नहीं होगा कि अब जो वैक्सीन है वो मैं ना लगाऊंगा क्योंकि डेल्टा वेरिएंट पे काम नहीं करेगी, ये बड़ी मूर्खता होगी यदि जो लोग ये सोचकर अपनी वैक्सीनेशन का निर्णय लेंगे। तो अभी तक ज्यादातर वैक्सीन्स इफेक्टिव हैं डेल्टा वेरिएंट को लेकर, कितनी है वो हमें समय के बाद ही, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस है ये पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि आपने आज इतना जो कीमती वक्त निकाला वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे दर्शकों को भी ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि धरती पर भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर्स को ही दिया जाता है, और डॉक्टर्स भले ही आपको कितनी सलाह क्यों न दें, लेकिन जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक आप शायद इस तीसरी लहर से ना बच सके। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कृपया कर मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें, तभी हम तीसरी लहर से अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।